सचिन पायलट के बगावत करने के बाद राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। जहां एक तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कह दिया है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई से जनता को परेशानी हो रही है, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इन सबके बीच में बड़ा बयान सामने आ गया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने कहा है, बगावत करने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाना चाहिए। रविवार को कपिल सिब्बल कहते हैं, दल बदलने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में संशोधन होना चाहिए। सचिन पायलट के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने के मद्देनजर कपिल सिब्बल की ये टिप्पणी सीधे तौर पर आई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होकर गहलोत सरकार को गिराने की कोशिशें करने का आरोप सचिन पायलट पर लगाया। अब कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर कह दिया है, टीके की जरूरत है, निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए भ्रष्ट तरीकों का वायरस दिल्ली में वुहान जैसे केंद्र के जरिए फैलाया जा रहा है। इसके एंटीबॉडीज 10वीं अनुसूची के संशोधन में निहित हैं। सभी दल बदलुओं के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। आपको बता दें, सचिन पायलट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें जहां एक तरफ लगातार आ रही हैं, सचिन पायलट इन खबरों का खंडन कर चुके हैं। वहीं कपिल सिब्बल सचिन पायलट के प्रति अपना हमलावर रुख दिखाते हुए कहते हैं, उनकी घर वापसी का क्या हुआ और क्या राजस्थान के बाकी विधायक भाजपा की निगरानी में हरियाणा में छुट्टियां मना रहे हैं। खैर, आपको बता दें, कांग्रेस के कई नेताओं के निशाने पर सचिन पायलट इन दिनों पूरी तरह से हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।